हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्वेरी सॉल्वर। आई एम योर एजुकेटर सुरेंद्र सिंह एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रोनाउन। स्टूडेंट, जैसे आपको पता ही है कि मैं इससे पहले दो वीडियो आपकी प्रोनाउन की डाल चुका हूँ, जिनमें मैंने आपको टाइप्स और बताए थे उनके यूज़ कैसे करना है। और उस सीरीज़ में जब मैं लास्ट सीरीज कराई थी, यानी लास्ट वीडियो था, उसमें मैंने आपके 6 रूट करा दिए थे। मैंने आपके रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटिव आपके 6 रूट करा दिए थे, उसमें 6 रूट कंप्लीट करा दिए थे। और मैंने आपको बोला था कि जितने भी आपके रूल बचे हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सबको कंबाइन करके आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आपसे मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए व्यूअर हैं तो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट किया करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट। ये आज की क्लास का फर्स्ट रूल है और उस सीरीज़ में चलता हुआ आपका 7th रूल है। इसमें बताया गया कि एंड से जुड़कर अगर दो एंटीसेंट का यूज़ हो, जिनमें से एक मनुष्य के लिए और एक जानवर के लिए या हम कहें वस्तु के लिए हो, तो इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हम दैट का यूज़ करते हैं, ना कि हु, होम और विच का। स्टूडेंट, इसका मीन्स हो गया एंटीसेंट होता है कि जो हमने जो नाउन यूज़ किए गए हैं उनकी जो उनके बारे में बताता है वो होता है आपका एंटीसेंट। जैसे यहाँ एग्जांपल में आपको बताया गया कि द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सो यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको बताया गया कि ये जो आपका जो दैट यूज़ किया गया है, ये आपका यूज़ किया गया है एंटीसेंट आपका यूज़ किया गया है। द मैन के बारे में बताया गया कि द मैन एंड हिज डॉग, तो किसका डॉग? उस आदमी का डॉग। तो क्या है वो? मैंने इसको देखा था, वो आज किडनैप हो चुके हैं। तो यहाँ ये आपका सही है स्टूडेंट। अगर हम एंटीसेंट की हम बात करते हैं और वे आपके किससे जुड़े हुए हैं, आपके एंड से जुड़े हुए हैं, जिनमें से ये आपका यूज़ किया गया है द मैन के लिए और एक यूज़ किया गया आपके जानवर के लिए, यानी कि हिज डॉग, यानी उसके कुत्ते के लिए यूज़ किया गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर यूज़ किया गया, देखो ये हमने यूज़ यहाँ आपको मना किया है कि आपको हु, होम और बिस का यूज़ नहीं करना है, और इसमें हमने उसका यूज़ कर लिया, इसलिए आपका रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में एंड से जुड़कर हम दो एंटीसेंट का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो जिनमें से एक मनुष्य के लिए यूज़ किया गया और दूसरा आपका जानवर के लिए थिंग के लिए यूज़ किया गया हो, तो इनके बाद जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उसकी जगह हम दैट का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, ना कि हु, होम और बिच का। नेक्स्ट रूल बताया गया आपके स्टूडेंट कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम दैट का यूज़ होता है, ना कि हु, होम और बिस का। सुपरलेटिव स्टूडेंट, ये आपकी डिग्रियाँ होती हैं पॉजिटिव, कंपरेटिव और सुपरलेटिव। तो अगर हम कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री का अगर हम यूज़ करते हैं, तो उसके बाद हम दैट का यूज़ करते हैं, ना कि होम और बिच का। तो यहाँ बताया कि मिस्टर सुरेंद्र इज़ द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई नो। इसमें बताया कि मिस्टर सुरेंद्र हैं वो क्या हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने ये आपकी क्या है द मोस्ट लगा करके ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री बन गई है यहाँ पर, और इसके साथ हमने यहाँ पर दैट का यूज़ किया है, जो कि आपका एकदम करेक्ट है। और इसमें बताया कि मिस्टर सुरेंद्र इज़ द मोस्ट लेबोरियस मैन होम आई सो। होम यहाँ जिसको कि मैं जानता हूँ वो सबसे मेहनती है। लेकिन स्टूडेंट इसमें मैंने बताया कि जहाँ भी हम सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज़ करते हैं, तो उसके साथ आप किसका यूज़ करोगे? आप दैट का यूज़ करोगे, ना कि होम का। तो ये आपका स्टूडेंट रॉन्ग हो जाएगा। वो ध्यान रखना है कि हम सुपरलेटिव यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद आपको दैट का यूज़ करना है। बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट रूल के बारे में कि ऑल का यूज़ वस्तु के लिए होता है, यानी कि थिंग के लिए, तो इसके बाद हम दैट का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, कहीं ऑल आपने यूज़ किया और वो बता रहा है आपको डेनोट, यानी वो बता रहा है किसके बारे में आपको, थिंग यानी वस्तु के बारे में, तो हम उसके साथ आप दैट का यूज़ करेंगे, ना कि हु, होम और विच का। एग्जांपल दिया गया स्टूडेंट आपके, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। तो ये आपकी थिंग्स यानी किसके बारे में बता रहा है, गोल्ड। और गोल्ड क्या स्टूडेंट? आपकी एक तरीके से धातु यानी थिंग्स है, तो ऑल ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। इसमें बताया विच, तो ये आपका गलत हो गया स्टूडेंट। ये जो दैट यूज़ किया गया, यानी हर चमकने वाली चीज़ आपकी क्या है, सोना नहीं होती है। तो ये जितने भी आपके जो दांत वगैरह हैं उनके लिए यूज़ कर दिया गया कि ऑल दैट, जो कि चमकने वाले हैं वो सोना नहीं होते हैं, और यही आपका स्टूडेंट गलत हो जाएगा।
लेकिन इसमें नॉट दिया गया है कि ऑल प्लस उसके साथ अगर हम कोई भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लेते हैं तो उसके बाद भी आप दैट का यूज़ करोगे स्टूडेंट, या फिर हम कहेंगे ऑल के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद भी आप दैट का यूज़ करोगे। जैसे मैंने आपको सिंटैक्स की जब क्लास ली तो सिंटैक्स की क्लास में मैंने आपको शुरुआत में ये बताया था कि अगर हम कहीं भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं तो जैसे वर्ब यूज़ करते हैं सिंगुलर, तो यहाँ हम उसके साथ दैट का यूज़ करेंगे यानी ऑल के साथ सिंगुलर, यानी कि ऑल द मनी। तो ऑल क्या है स्टूडेंट आपका, उसके बाद सिंगुलर है आपका मनी, कैसा मनी है आपका मनी अनकाउंटेबल है, और उसके साथ हम दैट का यूज़ करेंगे यानी कि जैसे आपका नाउन क्या है आपका मनी स्टूडेंट है आपका यहाँ पर नाउन है आपका, और नाउन के बाद जस्ट हमको क्या करना है यूज़ दैट का यूज़ करना है, तो ये आपका स्टूडेंट सही हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन इस एग्जांपल में बताया कि ऑल द मनी विच आई गेव और हैज स्पेंट, ये आपका रॉन्ग क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि ये चलो मान लिया हमने ऑल भी यूज़ किया है मनी भी यहाँ यूज़ किया, लेकिन विच यानी कि जो आपकी अनकाउंटेबल जो नाउन है उसके बाद आपको दैट का यूज़ करना और यहाँ यूज़ किया आपने विच का, तो इसलिए आपका स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे इसमें बताया कि ऑल के बाद अगर हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के बाद भी आप दैट का यूज़ कर सकते हो, जैसे ऑल द पेन दैट आई गेव हर आर न्यू, यानी कि ऑल जो मैंने उसको पेन दिए थे यानी जितने भी पेन थे मेरे पास मैंने उसको सब दिए, तो स्टूडेंट कैसे हैं वो सब नए, तो यहाँ पेन्स के बाद आपने ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इसके साथ आपने दैट का यूज़ किया इसलिए आपके सही हो गया, और यहाँ आपने यूज़ किया कि ऑल द पेन्स विच, तो स्टूडेंट ये आपका रॉन्ग हो जाएगा यानी कि ये रॉन्ग है और ऊपर वाला आपका राइट है। बात करेंगे हम नेक्स्ट टूल की कि ऑल का यूज़ अगर हम व्यक्ति यानी कि फॉर ह्यूमन के लिए करते हैं तो वहाँ हम हु या दैट का यूज़ होता है ना कि होमर विच का। इससे पहले स्टूडेंट हमने ऑल का यूज़ किया था किसके लिए आपका थिंक के लिए, तो वहाँ पर हमने दैट का यूज़ किया था चाहे वो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या आपका प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन हो इस तरीके से। तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं ऑल का यूज़ इसके लिए ओनली व्यक्ति के लिए, तो हम हु या हम दैट का दोनों का यूज़ कर सकते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि होम और विच का आपको यूज यहाँ पर नहीं करना है। जैसे यहाँ बताया गया ऑल हु दैट आर इंटरेस्ट टू डू दिस वर्क कैन डू इट, यानी कि कोई भी हैं जो हु मीन्स कौन है जो कि जिसको भी इंटरेस्ट है इस काम में वो इस काम को कर सकता है। तो यहाँ स्टूडेंट आपका हु या आप दैट का किसी का भी यूज़ आप इनमें से कर सकते हो। तो ये किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, फॉर ह्यूमन के लिए यूज़ बोला जा रहा है ना, भाई कोई आदमी है जो इस काम को करने में स्मार्ट मतलब कर सकता है वो इस काम को कर ले, तो ये व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया। और यहाँ बोला है ऑल होम बिच आर इंटरेस्ट टू डू दिस वर्क कैन डू, तो यहाँ बिच और होम का स्टूडेंट आपको यूज़ नहीं करना है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा इस तरीके से। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल में स्टूडेंट आपको बताया गया अगर हम कहीं भी सेंटेंस में अगर एवरीथिंग नथिंग और द ओनली या आपका द फ्यू या द लिटल के बाद हम दैट का यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ आपका बताया गया है कि माय फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग दैट ही हैड, यानी कि मेरे पिताजी ने मुझे वो सब कुछ दिया जो उनके पास था, तो यहाँ स्टूडेंट आपने एवरीथिंग यूज़ किया है और एवरीथिंग के बाद आपको दैट का यूज़ करना है। इसमें बताया गया ऐसा एक एग्जाम्पल में कि माय फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग विच ही हैड, तो स्टूडेंट आपको विच का और होम का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर क्या है रॉन्ग हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपका बताया है कि दिस इज़ द ओनली पेन दैट आई बॉट यस्टरडे, यह वही पेन है जिसको मैंने कल खरीदा था, तो यहाँ पेन के बाद स्टूडेंट द ओनली यूज़ किया गया, उसके बाद हमने यहाँ नाउन यूज़ किया है, उसके बाद आपने दैट का यूज़ किया है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, लेकिन ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर होम का यूज़ किया है इसलिए। नेक्स्ट रूल ये आपका स्टूडेंट कि अगर हम वर्ब के स्पष्ट अगर हम किसी भी सेंटेंस में हमें पता चलता है कि यहाँ पर वर्ब क्या है क्लियर है तो वहाँ पर हम द सेम और ये आपका स्ट्रक्चर होता है द सेम उसके बाद नाउन आता है तो हम दैट का यूज़ करते हैं, अगर जिससे अगर हमें वर्ब का क्या है अनक्लियर है तो अगर द सेम और प्लस नाउन है तो वहाँ पर आप एस का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ बताया गया आपका स्टूडेंट्स कि दिस इज़ द सेम मैन दैट रिसीव्ड मी, तो यहाँ वर्ब क्या है स्टूडेंट आपकी क्लियर हो रही है, तो द सेम यूज़ किया नाउन यूज़ किया गया आपका यहाँ पर प्रपोजिशन यूज़ किया है, यानी कि हम यहाँ बोले कि अगर हमने यहाँ पर एंड का यूज़ किया है तो उसके बाद ये आपकी वर्ब क्लियर है तो ये आपका राइट है। या हम बात करें दिस इज़ द सेम मैन एज डिसिप्लिन, तो यहाँ स्टूडेंट आपकी वर्ब क्या है क्लियर है और यहाँ आपको एस का यूज़ नहीं करना है, हमें यूज़ करना है अगर हमें वर्ब
क्लियर है तो वहाँ पर हम दैट का यूज़ करेंगे और अनक्लियर है तो आप एज का। जैसे यहाँ बताया गया कि दिस इज़ द सेम पेन एज माइन, यह ऐसा ही पेन है जैसा कि मेरा था या मेरा पेन है। तो यहाँ द सेम, उसके बाद आपने नाउन यूज़ किया, तो नाउन क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, आपकी वर्ब क्लियर नहीं है, यानी इसमें जो आपकी वर्ब है इज है वो आपकी हेड है यानी हिडन है, इसलिए हमने यहाँ पर एस का यूज़ किया और दैट का आप इसके साथ यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल स्टूडेंट आपका कि अगर हम कहीं भी प्रपोजिशन यूज़ करते हैं और उसके बाद आप विच और हम हुम का यूज़ करेंगे, अगर हम प्रपोजिशन यूज़ किया तो उसके बाद आपको विच और हुम का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ द स्टूडेंट दैट हुम आई हैव टॉट इंग्लिश, या वही स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर द का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि ये डेफिनेट आर्टिकल है, यह उसी स्टूडेंट की बात कर रहा है किसकी, यह वही स्टूडेंट है जिसको मैंने पढ़ाया था इंग्लिश इस तरीके से। या हम बात करें दिस इज़ द होटल इन विच आई स्टे, तो यह वही होटल है जहाँ पर मैं ठहरा था। लेकिन इसमें बताया गया स्टूडेंट कि लेकिन अगर हम कम प्रपोजिशन के बाद आप दैट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, प्रपोजिशन के साथ आप विच और हु का यूज़ तो कर सकते हो लेकिन आप दैट का यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे कि दैट इज़ द स्टूडेंट टू दैट आई हैव टॉट इंग्लिश, तो यहाँ आपने दैट का यूज़ किया स्टूडेंट प्रपोजिशन के बाद, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे दिस इज़ द होटल इन, तो प्रपोजिशन उसके बाद दैट, तो इसलिए आपका ये भी रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इसने बोला है कि अगर हम प्रपोजिशन को वर्ब के अगर लास्ट में रख देते हैं तो रिलेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं स्टूडेंट आपके, जो कि आपको संबंध कारक होते हैं, जैसे कि हु, हुम, विच, दैट का यूज़ आप नहीं, बिना भी इसका यूज़ आप कर सकते हो अगर हम जो प्रपोजिशन है उसको हम लास्ट में ले जाएं। तो जैसे दिस द होटल आई स्टे इन, तो यहाँ हमने प्रपोजिशन इनको लास्ट में ले गए यहाँ पर। जैसे यहाँ पर दिस इज़ द होटल इन विच आई स्टे, तो यहाँ भी इन विच आपका हिडन हो रहा है। एंड दिस इज़ द होटल विच आई स्टे, तो यहाँ इनको हमने स्टूडेंट लास्ट में ले गए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि प्रपोजिशन अगर हम उसके बाद विच और हुम का यूज़ कर सकते हैं लेकिन दैट का यूज़ आप नहीं करोगे स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी रूल समझने में अगर कोई भी दिक्कत होती है, आपका कोई डाउट है, तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट आपका कि द कंपरेटिव, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब कॉमा प्लस द प्लस कंपरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर स्ट्रक्चर है तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ नहीं होता है। स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कि हम कहीं भी द यूज़ करते हैं, उसके बाद हम कंपरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब, फिर यही सेम स्ट्रक्चर यानी द प्लस कंपरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यही अगर हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो उसके साथ आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ हम नहीं करते स्टूडेंट्स। रिलेटिव प्रोनाउन का आपको यूज़ नहीं करना, जैसे दिस द मोर दैट वी गेट द मोर वी वॉन्ट, तो ये गलत है स्टूडेंट। यह हमने द यूज़ किया, उसके बाद मोर आपके कंपरेटिव हो गया, तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज़ करना था और यहाँ आपने दैट का यूज़ किया, इसलिए आपका स्टूडेंट्स रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको दैट का यूज़ नहीं करना था यहाँ पे। सेकंड में बताया कि द मोर वी गेट द मोर दैट, तो यहाँ आपने दैट का यूज़ कर लिया, ये भी आपका स्टूडेंट गलत हो जाएगा। द मोर दैट वी गेट, तो यहाँ आपने दैट का यूज़ कर लिया दोनों बार, तो ये आपका तो आंसर एक बार ही गलत करने पर, दैट का यूज़ करने पर रॉन्ग हो रहा है, आपने दो दो बार किया तो आपका ये भी स्टूडेंट गलत हो जाएगा। ये भी आपका गलत है और ये भी आपका ऑलरेडी गलत है। यहाँ बात की इसने फोर्थ एग्जाम्पल में कि द मोर वी गेट द मोर वी वांट्स, तो यहाँ स्टूडेंट आपका सही है। देखो द, उसके बाद आपका कंपरेटिव यूज़ किया, फिर सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है, फिर कॉमा है आपका द प्लस कंपरेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर अगर आता है तो वहाँ पर आप द का यूज़ नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रूल आपका स्टूडेंट के सच, उसके बाद आर्टिकल यानी ए या एन प्लस नाउन है, या फिर सच प्लस ए या नाउन, उसके बाद आप एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो हम एस का यूज़ करते हैं ना कि दैट या बिचिन का। तो यह बात की गई स्टूडेंट कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में अगर हम बात करते हैं कि अगर हम सच वर्ड का यूज़ करते हैं और उसके बाद आप आर्टिकल यानी ए और एन में से, या फिर आप उसके बाद नाउन यूज़ करते हो, तो आपको स्टूडेंट्स एस का यूज़ करेंगे ना कि दैट विच और होम का। तो यहाँ बताया गया है कि सी इज़ नॉट ए सच ब्यूटीफुल गर्ल एज ही एक्सपेक्टेड, यानी कि वो ऐसी नहीं लड़की है जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पर स्टूडेंट आपने क्या यूज़ किया गया, हमने यहाँ पर कि हमने यहाँ सच यूज़ किया, उसके बाद आर्टिकल यूज़ किया, उसके बाद ये आपका एडजेक्टिव है, उसके बाद आपका नाउन है, तो इस तरीके से आपका ये राइट है। लेकिन यहाँ हमने क्या किया स्टूडेंट,
सच यूज़ किया है और ब्यूटीफुल किया, तो आपने किसका यूज़ कर दिया स्टूडेंट? आपने यहाँ पर दैट हुम विच यानी सब का यूज़ कर लिया, जो कि आपका एकदम बिल्कुल रॉन्ग होगा। जब हम कहीं भी सच उसके बाद आर्टिकल ए या एन उसके बाद नाउन यूज़ करते हैं, तो स्टूडेंट वहाँ पर हम एस का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें यूज़ किया गया एस, ना कि आपके दैट विच और हुम का। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ स्टूडेंट। नेक्स्ट रूल स्टूडेंट्स आपका कि पर्सनल प्रोनाउन यानी आई, इट, ही, हिम, देम, ईटीसी के बदले हम दस एन का यूज़ नहीं कर सकते। ये स्टूडेंट आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, इनके बदले आप दस एन का यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ बताया गया है कि आई गेव हर ए पेन एंड सी गेव इट टू वीना, मैंने उसको एक पेन दिया और उसने क्या किया स्टूडेंट, उसने उसको वीना को दे दिया। तो यहाँ आपका जो हर यूज़ किया गया है, ऐसे हमने सी गेव इट था वीना, तो यहाँ आपको क्या करना है स्टूडेंट, इट यूज़ किया गया आपका, तो यहाँ हमें क्या करना है, ही गेव द पेन इन द सी गेव द सेम। तो ये आपका जो दस एम यूज़ किया गया स्टूडेंट, ये आपको यूज़ नहीं करना है। इसकी जगह आप इनमें से इट या ही, हिम, दे या आई में से कोई भी आप रिलेटिव प्रोनाउन का, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन का आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट में बताया गया स्टूडेंट कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं आपके हु, विच, होम, हुज, दैट से पहले आप यूज नाउन से पहले हम द का यूज़ होता है, ना के पजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर्स, इट्स, देयर का। इसमें इसका मीन्स ये हो गया स्टूडेंट कि जो रिलेटिव प्रोनाउन आपके हुम, विच और ये, इनसे पहले जो भी नाउन आता है उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया कि द टेबल दैट यू वॉट यस्टरडे इज़ ब्लू, तो स्टूडेंट ये नाउन है आपका, नाउन आपका दैट है, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है आपका दैट, और दैट से मैंने अभी रूल में बताया कि अगर आपका दैट, विच या आपका हु आता है और उससे पहले अगर कोई नाउन आती है तो नाउन से पहले आप द का यूज़ करोगे। इस तरीके से आप बना सकते हो योर टेबल इज़, तो यहाँ स्टूडेंट आप योर आप इसका यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि हम इनका ये आपके पैसे एडजेक्टिव हैं तो इनका आप एज सब्जेक्ट यूज़ नहीं करोगे, तो इसलिए आपका रॉन्ग हो जाएगा और ये आपका स्टूडेंट्स राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रूल में आपका स्टूडेंट बताया गया है कि प्रपोजिशन के बाद अगर आप होम और बिच का यूज़ करते हो तो हम होम और बिच के बाद भी प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं। इसका मीन्स ये होगा स्टूडेंट अगर हम कोई भी प्रपोजिशन यूज़ किया और उसके बाद आपने होम या बिच के यूज़ किया है और होम बिच के बाद कोई भी हम प्रपोजिशन दोबारा नहीं लगाते हैं। जैसे दिस इज़ द हाउस इन विच सी लिव इन, तो मैंने बोला स्टूडेंट अगर हम बिच या हु या होम या बिच यूज़ करते हैं तो उसके पहले हम प्रपोजिशन तो लगा सकते हैं, लेकिन उनके बाद हम किसी भी प्रपोजिशन यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ इनका यूज़ किया, यो एकदम बिल्कुल आपका रॉन्ग है, एंड दिस इज़ द हाउस इन विच सी, तो बिच से पहले ये हमने यहाँ पर स्टूडेंट प्रपोजिशन का यूज़ किया, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट आपका एंटीसीडेंट व रिलेटिव प्रोनाउन के बीच एंड का यूज़ नहीं होता है। एंटीसीडेंट स्टूडेंट होता क्या है आपका, एंटी सीडेंट होता है कि वह नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज़ होता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। इसका मीन्स ये होगा स्टूडेंट्स कि जब हम कोई भी नाउन लेते हैं और उस नाउन से पहले कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन से जो वर्ड है को यूज़ किया, जैसे आपका हु है यहाँ पर, तो हु से पहले हमने किसका यूज़ किया है स्टूडेंट, एंड का यूज़ किया है। जैसे यहाँ हु है तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट के बारे में बात की है, इसमें बोला कि ही इज़ स्वेन एंड हु इज़ माई ब्रदर, तो ये स्टूडेंट आपका गलत है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ ही इज़ सुरेन हु इज़ माई ब्रदर, तो ये आपका स्टूडेंट सही हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला है कि हम कहीं भी एटनीसेट या रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में हम एंड का यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ हमने एंड का यूज़ किया इसलिए ये आपका रॉन्ग हो गया, और यहाँ हमने एंड का यूज़ नहीं किया यानी हमें केवल कॉमा का यूज़ करना है, तो ये आपका स्टूडेंट्स आंसर सही हो जाएगा। लेकिन इसने बोला है कि अगर दो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किसी भी एंटीसीडेंट के लिए हो तो दूसरा जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हम एंड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बात कर रहा था स्टूडेंट कि अगर हम कहीं भी एंटीसीडेंट या आपका रिलेटिव प्रोनाउन अगर आपका बीच में हम एंड का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि नहीं दो रिलेटिव प्रोनाउन का अगर हम यूज़ कर रहे हैं जिन्हें संबंध बता रहे हैं आपस में, उनको जो बीच में रिलेटिव प्रोनाउन होता है
जो दूसरा वाला उससे पहले आप एंड का यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ एग्जांपल में बताया गया आपका, एग्जांपल है स्टूडेंट आपका कि सुरेंद्र इज ए पॉपुलर टीचर कॉमा हु लिव्स इन मथुरा कॉमा एंड हु वांट्स टू टीच इन टीच द पुअर स्टूडेंट इन मथुरा। तो ये कोई टीचर है स्टूडेंट कि सुरेंद्र इज पॉपुलर यानी फेमस टीचर है, हु के जो कि लिव्स मथुरा में रहते हैं एंड हु वांट्स वो चाहते हैं टीच पढ़ाना द पुअर स्टूडेंट इन मथुरा, जो मथुरा में जो गरीब बच्चे उनको वो पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ ये स्टूडेंट हमने जो एंड यूज़ किया है इसलिए एंड यूज़ किया है क्योंकि ये एंटीसीडेंट आपका यहाँ पर टीचर के लिए यूज़ किया गया पॉपुलर के लिए, क्योंकि रिलेटिव है आपका प्रोनाउन है, रिलेटिव यानी हु से पहले जो आता है वो आपका एंटीसीडेंट होता है। इस तरीके से हमने इसकी यहाँ भी ऐसे यूज़ किया तो इसलिए हमने यहाँ पर एंड का यूज़ किया और जो आपका एकदम सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ सेकंड एग्जांपल में बताया गया स्टूडेंट आपका कि सुरेंद्र इज ए पॉपुलर टीचर हु लिव्स इन मथुरा हु वांट्स टू टीच इन पुअर स्टूडेंट इन मथुरा। तो यहाँ पर हमने एंड का यूज़ नहीं किया जो कि बिल्कुल आपका गलत है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट आपका स्टूडेंट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये आपकी लास्ट टॉपिक है आपका प्रोनाउन में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है मीन्स होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें स्टूडेंट आपके रूल हैं आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पसेसिव। जब इसमें सब्जेक्ट आपका कर्ता होता है और ऑब्जेक्ट और पसेसिव बदकर दिखाने वाले होते हैं। बात करें स्टूडेंट कि हु मीन्स होता है आपका कौन, हुम मीन्स होता है किसे और हुज मीन्स होता है किसका। इनके आपके एग्जांपल दिए गए, मतलब हम हु का यूज़ किस लिए करते हैं, हुम का यूज़ किस लिए करते हैं कि हुज का यूज़ हम किस लिए करते हैं। जैसे कि द स्टूडेंट आर रीडिंग बुक, यहाँ स्टूडेंट इसने क्या है क्वेश्चन पुट अप किया है। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है क्वेश्चन पुट अप करना, तो यहाँ से क्वेश्चन पुट अप किया है कि हु आर रीडिंग बुक यानी कौन है जो किताब पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ बताया था स्टूडेंट आर रीडिंग बुक, तो यहाँ ये जो आपका हु का यूज़ जो स्टूडेंट हम करते हैं वो हम सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, यानी कि सब्जेक्ट इस सेंटेंस में आपका करता क्या है यानी सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है वो आपका होता है स्टूडेंट हु। सेकेंड एग्जाम्पल आपका ही हैज़ इन्वाइटेड हिज फ्रेंड, तो इसमें बुलाया गया होम हैज़ इन्वाइटेड यानी उसने अपने दोस्तों को बुलाया, किसने बुलाया। तो होम जो है स्टूडेंट वो आपका ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, जहां आपका होम यूज है यानी कि वो ऑब्जेक्ट के बारे में वहां पर आपकी बात हो रही होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका कि दिस इज माई फोन, सॉरी दैट इज माई फोन, तो यहाँ हु इज दैट फोन यानी कि यहाँ हुज जो यूज़ किया गया है स्टूडेंट ये दिखा रहा है आपका ऑनरशिप यानी इस फोन का मालिक कौन है। तो हम इस तरीके से आप बता सकते हो कि हु का यूज़ हम सब्जेक्ट के लिए, हुम का यूज़ हम ऑब्जेक्ट के लिए और आपका हुज के लिए यानी ऑनरशिप यानी उसका मालिक कौन है। इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हो आप क्वेश्चन पुट अप करने के लिए। इसमें बोला है कि अगर हम कहीं भी प्रपोजिशन के बाद अगर हम हुम का यूज़ करते हैं तो, लेकिन प्रपोजिशन के बाद हम हु का यूज़ नहीं होगा स्टूडेंट। इसने बोला है कि प्रपोजिशन के बाद आप हुम का यूज़ तो कर सकते हो लेकिन प्रपोजिशन के बाद आप हु का यूज़ नहीं कर सकते हो, यानी कि वाई होम वाज द रामायण रिटन यानी किसके द्वारा आपकी रामायण को लिखा गया। तो ये स्टूडेंट आपका सही है, मैंने बोला है कि वाई के बाद आप होम का यूज़ कर सकते हो प्रपोजिशन के बाद, लेकिन प्रपोजिशन के बाद आप हु का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये स्टूडेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर आंसर। लेकिन प्रपोजिशन का यूज़ सेंटेंस के लास्ट में अगर करते हैं तो हम हु का यूज़ सेंटेंस के स्टार्ट में प्रारंभ में लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ बात की गई स्टूडेंट अगर हम कोई भी प्रपोजिशन है यूज़ कर रहे हैं उसके सेंटेंस के आप लास्ट में बिल्कुल एकदम, तो जो आपका हुआ है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आप लगा सकते हैं। जैसे कि हु वाज द रामायण रिटन बाय, तो यहाँ बाय जो आपका स्टूडेंट प्रपोजिशन है जिसको हमने लास्ट में ऐड किया है और हु को आपने यूज़ कर दिया है स्टार्टिंग में यानी सब्जेक्ट के सेंटेंस के स्टार्टिंग में। जैसे हु आर यू टॉकिंग टू यानी कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो यहाँ ये आपका टू क्या स्टूडेंट आपका प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन से पहले हमने यहाँ पर हु का यूज़ यहाँ इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स आपका कि बिच का यूज़ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता है, यानी इसका यूज़ सिलेक्शन और चॉइस के लिए भी आप कर सकते हो। बात करें स्टूडेंट अगर हम बिच की, तो बिच का यूज़ करते हैं हम सिलेक्शन के लिए या हम चॉइस के लिए। जैसे कि बिच इज़ योर पेन यानी कि यहाँ सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा पेन आपका है। यहाँ बोला है विच ऑफ दिस पेन डू यू लाइक मोस्टली, यहाँ बात कर रहा है कि ये जो पेन है स्टूडेंट इनमें से आप किसको पसंद करते हो, यानी यहाँ बात कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट की यानी कर्म के बारे में। तो स्टूडेंट ये था आपकी वीडियो यानी प्रोनाउन का लास्ट रूल आपका यहाँ पे।
कि वर्ड यूज़ फॉर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जैसे हमने विच को यूज़ किया स्टूडेंट, ऐसे आप वर्ड का यूज़ कर सकते हो, यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया गया, वाट हैव यू वॉट टूडे, यानी तुमने आज क्या खरीदा। तो ये यहाँ स्टूडेंट आपको बता रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में, और यहाँ यूज़ किया गया आपका सब्जेक्ट के, यानी वाट इज़ योर ब्रदर, वर्ब आप इस ये बता रहा है स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट के बारे में। तो स्टूडेंट आज की क्लास होती है हमारी यहीं पे फिनिश। ये मैंने आपको प्रोनाउन को 3 वीडियो में बड़े आसानी से समझाया, अगर आपको फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.